अस्सलाम वालेकुम क्लास, हम पढ़े थे ANS के ड्रग्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होने वाली ड्रग्स। उसके अंदर हमने पढ़ लिया है एड्रेनालिन, डोपामिन और सालबुटामोल को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिथाइल डोपा, एफिड्रीन और बीटा ग्लूकर्स को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा में ये मैंने शॉर्ट टर्म्स लिखी हुई हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवा देने का तरीका वो है मुंह के ज़रिए और वरेदी मतलब IV जाता है और ऑरल जाती हैं। तो फॉर्म्स क्या होंगी, दवा की सूरत क्या होगी, टैबलेट होगी और इनहेलर होगा, इंजेक्शन होगा। ठीक है, यूजेस क्या हैं, ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। मिथाइल डोपा जो है वो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये जिगर की बीमारियों में नहीं देते, इसके अलावा एलर्जी में नहीं देते, फिर जो है वो ADRs हैं, और ADRs जो हैं वो इसमें है जिगर की इन्फेक्शन हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और दिल की झिल्ली की इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, दिल की झिल्ली की इन्फेक्शन हो सकती है। मेनली जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव ही है, इस्तेमाल होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ANS के अंदर ही आता है, ये एक्चुअली फॉल्स ट्रांसमीटर के तौर पे काम करता है। मतलब ये जो ट्रांसमीटर्स नॉर्मली हैं हमारे, कौन कौन से, एसिटाइलकोलीन और एड्रेनालिन, मतलब एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, एसिटाइलकोलीन, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये हैं हमारे नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर्स, और डोपामीन भी इसमें लगा लें और निकोटीन भी लगा लें। लेकिन मिथाइल डोपा क्या है, ये इन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके एक्शन को ना ऊपर करता है नीचे करता है, बल्कि इन एक्शंस इनको मिमिक करता है। मिमिक करने का मतलब है कि फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं और अटैच कर लेते हैं अपने आप को जो है वो उस रिसेप्टर के साथ जिसके साथ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने अटैच होना होता है। ठीक है, तो उससे जो है वो अपना ये फंक्शन करता है। ये डिप्रेशन इसलिए, देखें जितनी भी बीमारी, ये जितने भी एक्चुअली दवाइयाँ हैं, ये सर दर्द कर रही हैं, डिप्रेशन अगर कर रही हैं या ज़हनी मसाइल पैदा कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली मेडिसन्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर है जो कि ब्रेन की झिल्ली की तरह है। इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो क्रॉस नहीं करती, और कुछ जो हैं वो क्रॉस कर लेती हैं, और जो कुछ क्रॉस करती हैं वो फिर ये वाले फंक्शंस जो हैं, ये वाले एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इनकी वजह से होते हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर जो क्रॉस करती हैं मेडिसन्स, उन्हें फिर हम प्रेगनेंसी में नहीं देते। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान हम उन्हें नहीं देते, क्योंकि ये क्या हो सकता है, देखें अगर बॉडी के अंदर जा रही हैं तो ये बच्चे का भी ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि अभी डेवलप भी नहीं हुआ, तो उसको उसके अंदर जा सकती हैं और इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा बच्चों को भी ये नहीं देते ये वाली मेडिसन्स, और क्योंकि उनका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता अभी, तो ये वाली मेडिसन्स बच्चों को भी नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एफिड्रीन। ठीक है, एफिड्रीन जो है इसकी फॉर्म जो है वो नाक के कतरे हैं, इंजेक्शन है और टैबलेट है। इसके अलावा ये नाक के ज़रिए देते हैं, मुंह के ज़रिए देते हैं, आईवी, आईएमएम और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी डोज जो है वो 50 mg तक की है। यूजेस जो हैं वो ये न्यूट्रोपीनिया में इस्तेमाल होता है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और कम फशारे खून, मतलब हाइपरटेंशन जब हो किसी को, हाइपरटेंशन, कम ब्लड प्रेशर हो, तो हम उसमें भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बेहोशी के लिए इस्तेमाल होता है, ये मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए, मायस्थेनिया ग्रेविस में भी इस्तेमाल होता है, और हम देखते हैं कि मायस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक क्रोनिक फटीग मस्कुलर वीकनेस है, जिसके ऊपर हमारी बॉडी के जो अपर बॉडी पार्ट्स हैं ना, जैसे कि नेक हो गया, शोल्डर्स हो गए, ये जो इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, मायस्थेनिया ग्रेविस में नेक और शोल्डर्स के जो पार्ट्स हैं, मतलब अपर बॉडी पार्ट्स जो हैं, ये इसमें वीकनेस होती है और पेन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हैं वो ये हाइपरटेंशन में नहीं इस्तेमाल करते हैं। देखें, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर देती है। तो अगर किसी का ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हम इसे दे देंगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हाइपरटेंशन में इसे नहीं देते, दिल की बीमारियों में नहीं देते, थायराइड के मसाइल में नहीं देते। ठीक है, ADRs, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, इससे नफ्सियाती मसाइल होते हैं, दिल के मसाइल होते हैं, हाइपरटेंशन होती है, झटके लग सकते हैं और कॉमा भी हो सकते हैं, और इवन ये डेडली भी है, डेथ भी हो सकती है अगर ओवर डोजेज हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोलाइड है, एक्चुअली एफिड्रीन जो है वो एक तरह से अल्कोलाइड है, और अल्कोलाइड मोस्टली जो हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, ये हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स दो तीन नहीं हैं, ये कोई 10-12 बीटा ब्लॉकर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स एक क्लास हैं, जिस तरह से ये मैंने मेन क्लासेस आपको पीछे 4 बताई थी ना, इनकी भी आगे से 4-4, 5-5 क्लासेस होती हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स उनकी क्लास में से एक है। एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। उसके अंदर मैंने मेन जो हैं वो 3 लिखी हुई हैं, एटीनोलोल, बिजोप्रोलोल और प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये प्रोप्रानोलोल जो है इंड्राल गोली है, बहुत मशहूर है, दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, दिल की धड़कन की बीमारियों में। तो और जितने भी बीटा ब्लॉकर्स हैं ये ब्लड प्रेशर में मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली घरों में कंकोर चल रही होती है, ये जो है वो बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, ये 3 मैंने लिखे हैं, एटीनोलोल, बिजोप्रोलोल एंड प्रोप्रानोलोल। ठीक है, अलिफ बे पे, इस तरह से याद रखिएगा इसको। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुंह के रास्ते जाता है ये, और फॉर्म जो है वो टैबलेट है, जाहिर है मुंह के रास्ते जाएगा तो टैबलेट होगी। डोज जो है वो इसकी 40 mg तक दे सकते हैं मैक्सिमम, मोस्टली 40 mg तक ही होती है। वैसे कुछ बीटा ब्लॉकर्स की जो है वो देखें, ये देखें, अब एटीनोलोल की अलग होगी, बिजोप्रोलोल की अलग होगी और प्रोप्रानोलोल की अलग होगी, इसलिए मैंने
जो है वो डोज़ इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि हर बीटा ब्लॉकर की डोज़ अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन 40 mg तक हम इसे दे सकते हैं, कुछ दवाइयों को हम 40 mg तक दे सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ जो हैं उनकी डोज़ जो है वो 2.5 mg भी होती है। मेरी अम्मी जो हैं वो भी बीटा ब्लॉकर खा रही हैं, तो उनकी डोज़ जो है वो 2.5 mg है, ठीक है, क्योंकि उनका बीटा ब्लॉकर का जो सॉल्ट है वो अलग है, ठीक है। यूजेस जो हैं वो अंजाइना मतलब सीना का दर्द, दिल की धड़कन, और ज़्यादा फिशारे खून मतलब हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि ये दमा के मरीज़ों को नहीं देने, दिल के बंद होना मतलब दिल का शॉक हो जाना या दिल का दौरा पड़ जाना, एसिडोसिस, ठीक है, एसिडोसिस में नहीं देते, इसमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, और खून एसिडिक हो जाता है, ठीक है। एडीआरस में है थकावट मतलब फटीग हो जाती है, घुटन सीने में घुटन होती है, और दिल की धड़कन के मसाइल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एरिदमिया इसे कहते हैं, दिल की धड़कन के जब मैं मसाइल की बात कर रही होती हूँ तो इसमें एरिदमिया होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं बिल्कुल छोटे छोटे तीन तीन चीज़ें करवा रही हूँ ताकि आप जो है वो इसे याद कर सको। ये सारा रट्टा लगाने वाली चीज़ें हैं और आप इन्हें अच्छी तरीके से टेबल बना के जो है वो याद करो, समझ के याद करो। मैंने जो आपको ऐप बताई है वो मैं अभी आपको लिख के भी बता देती हूँ कि क्या नाम है उसका, ठीक है, ताकि आप जो है वो उसे डाउनलोड कर लें और जो भी दवाई लिखोगे इसके अंदर जेनेरिक में जाके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। फार्मापीडिया पाकिस्तान नाम है, फार्मापीडिया पाकिस्तान, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारी ये कंप्लीट हो गई है, मेरे ख्याल 6-7 ही थी वो ENS वाली, ये हमने कंप्लीट कर ली है। कल जो है हम नया सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नई ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में इतने ही हैं और हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कि पूरे 4 चैप्टर बनते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही है और इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि आप जो मैंने कंटेंट्स लिखवा दिए हैं बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि आप ये याद कर लो, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।